ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या गया जी में पिंडदान करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है? पहले हम मुक्ति को समझ लें। मुक्ति क्या है? मुक्ति है आत्मा का इस संसार से सब आत्माओं के साथ लेना देना, हिसाब किताब बराबर करके अपने घर जाना। किसी भी आत्मा के साथ अब उसने सुख दुख का कोई हिसाब किताब नहीं रहा, तब वो अपने घर जाती। इसको कहा जाता है मुक्ति। और ये मुक्ति, दूसरी बात समझनी है इसके साथ, मुक्ति सारे संसार की सर्व आत्माओं को एक साथ मिलती है, एक सेकंड में मिलती है, आगे पीछे नहीं मिलती। मेरा हिसाब आपके साथ बराबर होगा तो आपका मेरे साथ भी बराबर होगा। अकेला मेरा हिसाब बराबर थोड़ा होना है। मेरा ना केवल आपके साथ हिसाब किताब है, मेरा और भी बहुत सारी सब आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, सबके साथ मेरा हिसाब किताब बराबर होना है। धीरे धीरे सबके साथ हिसाब किताब बराबर होते होते सबका आखिरी एक कार्मिक अकाउंट बचता है, उस सेकंड पर लास्ट अकाउंट होता है दूसरी आत्मा के साथ। वो सेकंड होता है जब सारी आत्माएं अपना अंतिम अकाउंट बराबर करती हैं और घर जाती, मुक्ति मिलती। इससे पहले जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है उसके लिए कहा जाता है चल बसी, यहां से चली और दूसरी जगह जाकर बस गई। यहां हम लोगों के साथ ये हिसाब किताब बराबर हुआ, अब जहां उसका हिसाब किताब है वहां उसने जन्म ले लिया। क्योंकि मुक्ति तो तब मिलेगी जब सबके साथ हिसाब बराबर हो। और ये तो चाहे वो गया जी हो, चाहे वो काशी जी हो, तो चाहे वो हरिद्वार हो, तो चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे दुनिया की कोई और जगह हो, आधार नदी के किनारे पिंड दान कराने के लिए बैठे, श्राद्ध कराने के लिए बैठे हैं, बस एक बार यहां श्राद्ध करा दो, फिर आपको कभी श्राद्ध कराने की जरूरत नहीं। पैसे मोटे दे देना, आधे अधूरे पैसे दिए तो फिर आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि आप हमें देंगे, हम खाएंगे तो उनको मिलेगा, हम नहीं खाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। दांत घिसाई भी दे देना, क्योंकि हम दांत घिसाएंगे इतना खाना खाएंगे, हमारी मेहनत का भी पैसा दे दो, खाने के भी पैसे दे दो, जबकि उन आत्माओं तक एक कतरा भी नहीं जाना है, एक कतरा भी वहां तक नहीं जाना है। मुक्ति बोध में यदि डेड बॉडी को जलाने से मुक्ति मिल सकती, काशी में जाओ मुक्ति बोध पर जाकर के, वहां पर काफी लंबे समय लिस्ट बनी हुई है, कहते हैं, मैं गया तो नहीं हूं, कि लंबी लिस्ट बनी हुई है कि हमारी डेड बॉडी को यहां अंतिम संस्कार करने का स्थान दिया जाए। मुक्ति मिल जाएगी। भाई उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म ले लिया, मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो मिलेगी जब हिसाब बराबर होगा, वो सबको मिलेगी, चाहे वो भक्ति करे ना करे, पूजा करे ना करे, पिंडदान करे ना करे, कुछ करे कुछ ना करे, उसने करना ही वो है जो उसका रोल है। और मुक्ति परमपिता परमात्मा आकर देते हैं, सब आत्माओं को परम धाम वापिस लेके जाते हैं, ये किसी मनुष्य का काम नहीं। और अपना काम परमपिता परमात्मा आकर कर रहे हैं। इन बातों को
अच्छी तरह यदि समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।